हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज मैं आ चुका हूँ पवन बिहारी के जो पर्सनल स्टूडियो खुला हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक धमाका ऑफर चल रहा है दशहरा के लिए और छठ पूजा के लिए भी। तो जो भी नए दर्शक हैं, चाहे जो भी गाने इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे गाने सुनने में भोजपुरी इंडस्ट्री से आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पवन भैया जो है बहुत अच्छा ऑफर दे रहे हैं। तो पवन भैया, पहले पहले बहुत स्वागत जी। नमस्कार प्रणाम, और जितने भी दर्शक देखने वाले हैं ट्रेंडिंग मैटर भोजपुरी को, तहे दिल से आप लोग नमस्कार है। चलिए, अच्छी बात है। पहले मैं तो खुद, ये आपका नया स्टूडियो है, लेकिन तो मैं नाम नहीं, तो खुद आप बताइए। मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम है फुगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो ये अवेलेबल है अपना गोपालगंज रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में। तो आप लोग लोकेशन जान गए होंगे, गोपालगंज जो रेलवे स्टेशन है उससे 100 कदम की दूरी पर है ना, स्टेशन जस्ट सामने है। अच्छा भैया, फुगी रिकॉर्डिंग स्टूडियो ओपनिंग का कितना दिन हो गया? ओपनिंग का लगभग 4 महीना हो गया हमारा, 5वां महीना चल रहा है। हाँ, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, आगे भी बहुत अच्छा काम होता रहेगा। चलिए, और 4 महीने का रिकॉर्डिंग, ये मत समझिए कि नया है और नया डायरेक्टर चाहे नया रिकॉर्डिस्ट, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इनके काम का जलवा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। खुद भैया बताएंगे तो अच्छा रहेगा। कितने दिनों से भैया आप काम कर रहे हैं? लगभग काम इस भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हम 7-8 साल से हैं। 7-8 साल? हाँ, 7-8 साल मेरा हो गया। बाकी मेरा बहुत सारा यूट्यूब पे गाना है, जैसे भोजपुरी बार कंपनी हो गया, जेके यादव, बहुत सारा कंपनी है। ऐसे मेरा पर्सनल एक यूट्यूब चैनल भी है फुगी रिकॉर्ड्स भोजपुरी, जिसपे जितने भी हमारे पास कलाकार अभी रह रहे हैं, लगभग 10-15 कलाकार रह रहे हैं, तो उन लोग का भी गाना टोटल इस चैनल पे आता है। और आगे जो भी कलाकार आने वाले हैं उन लोग के लिए भी बहुत काफ़ी ऑफर है, आगे बताएंगे वीडियो में। तो देखिए, 7-8 साल का इनका मतलब ये प्रैक्टिस है ऑडियो वीडियो बनाने, रिकॉर्डिंग करने, कैमरा बहुत अच्छे, मतलब समझिए कि ऑलराउंडर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। पवन भैया, ये जो आपका स्टूडियो खुला हुआ है, इसमें दशहरा के लिए जो अभी फिलहाल चल रहा है और आने वाला छठ के लिए क्या ऑफर देते हैं? दशहरा में अभी फिलहाल तो बहुत ज़बरदस्त ऑफर था और अभी भी है। अभी तो नवरात्र चालू हो गया है, लेकिन अभी भी ऑफर है। कोई भी सिंगर अगर अपना ऑडियो वीडियो करवाना चाहता है तो हमारे यहाँ मीडी ट्रैक, यानी जो कोई भी ट्रैक गाया है उसमें मीडी करा के ऑडियो वीडियो 1500 रुपये में करके दे रहे हैं। अभी फिलहाल में अगर अर्जेंट में कोई आएगा तो एक दिन में हमारा आ जाइए, आज ही आप वीडियो कराइए और कल सुबह वीडियो आप ले लीजिए, मात्र 1200 रुपये दीजिए। एक दिन में ऑडियो वीडियो करा कर 1200? हाँ, मात्र एक दिन में मिल जाएगा। एक दिन में आज कराइए, रात में वीडियो शूट कर रहे हैं डेली, रात में आप वीडियो शूट कराइए और सुबह में अपना वीडियो खुद साथ में लेके जाइए या रिलीज करा के जाइए। अच्छा, ये समझ में नहीं आता, ज़्यादा पैसा कमाने का आप चक्कर में रात भर काम करते हैं कि मतलब पब्लिक को आगे बढ़ाने? नहीं, ये क्या है कि ज़्यादा पैसा कमाने का कोई चक्कर नहीं है। पैसा 1200 रुपये कोई माने नहीं रखता है एक ऑडियो वीडियो का पूरा। हमारा पर्पस ये है कि जो भी सिंगर हैं या जो भी हमसे जुड़ रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपना गाना करें और आगे बढ़ें। इसमें पैसा का कोई मैटर है नहीं, मतलब कुल बताने का मतलब कि आप काम फंसाना नहीं, काम फंसाना नहीं चाहते हैं। अगर आज हम 1500 या 2000 रुपये लेंगे और आज वीडियो करेंगे, फिर 2 दिन बाद देंगे तभी नवरात्रि निकल जाएगा, तो फिर उस वीडियो का कोई मतलब रहेगा नहीं। इसलिए हम सोच रहे हैं अभी जो भी दर्शक ट्रेंडिंग मैटर भोजपुरी से अगर देख के आने वाले हैं तो आइए, और ट्रेंडिंग मैटर भोजपुरी के दर्शक अगर आएंगे तो उनके लिए 1200 रुपया और अदर भी 1200 रुपया, ऐसे आइएगा तो पर्सनली कुछ इस चैनल के माध्यम से कम हो जाएगा भैया के लिए। देखिए, हम यही बोलने वाले थे कि अगर चैनल के माध्यम से आते हैं नहीं आते हैं तो फिर अंतर क्या रह जाए। और वैसे भी अगर एक दिन का 1200 रुपये कमाते हैं, महीना 36,000 रुपये कमाते हैं पवन भैया, आप लोग खर्चा यहाँ से जम के करा सकते हैं। रहने वहने की सुविधा बता दीजिए। रहने का सुविधा यहाँ पे, अगर आप परमानेंटली रहना चाहते हैं उसका भी सुविधा है। ऐसे आप कहीं से आ रहे हैं, एक दिन दो दिन ठहरना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ से खाना वगैरह सब चीज़ आपको मिलेगा। रहने का सुविधा है अच्छा खासा, यहाँ पे गाने का सुविधा है, तो 2-4 दिन रहेगा, उसका 1 रुपया भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, आप रहिए गा के और आराम से जाइए। ऐसे अगर परमानेंट हमारे पास जैसे 10 लड़के हैं, 5 लड़कियाँ, 15 आदमी यहाँ परमानेंट रह रहे हैं, अगर आप लड़का हो या लड़की यहाँ रहना चाहते हैं, इच्छुक हैं कि हाँ हम परमानेंट काम करना चाहते हैं, उन लोग के लिए भी बहुत आकर्षक ऑफर है और बहुत ही अच्छा ऑफर है। चलिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये भैया आप जो बता रहे हैं लड़का और लड़की, तो अगर कोई इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहे जैसे बैकग्राउंड डांसर के, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? अगर देखिए, जैसे यहाँ पे हम सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेस, और जैसे तीन, या लड़की सिंगर हो या लड़का सिंगर हो, या लड़की एक्ट्रेस हो, लड़का एक्टर हो, अगर यहाँ पे आप बैकग्राउंड में अगर काम करना हो, यहाँ पे रहना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खाने का पैसा देना होगा, क्योंकि पेट का तो पैसा कहीं देना पड़ेगा, खाने का पैसा देना होगा, बाकी सब कंपनी उठाएगी। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, बाकी एक और ऑफर है, अगर आपका वीडियो अच्छा खासा रनिंग करने लगा, मेरे को प्रोजेक्ट अदर से मिलने लगा, तो प्रोजेक्ट में से भी आपको पैसा देंगे। वाह, क्या ऑफर है! अगर आपका गाना चलने लगा तो दूसरे के मतलब समझ सकते, कोई भी मिला, अगर हमको 5 प्रोजेक्ट या 4 प्रोजेक्ट मिल रहा है, मतलब उस गाने की वजह से, हाँ उस गाने की वजह से, या ऐसे भी हमको 4 प्रोजेक्ट मिला, अगर उसमें आपको हम 10 दिन 1 महीना बाद अगर आपको उसमें हम काम कराते हैं, आपका एक्टिंग आपका सिंगिंग अच्छा हो गया, लड़की है, अगर बाहर से आपके लिए प्रोजेक्ट आने लगा कि नहीं दैट्स दिस लड़की से प्रोजेक्ट कराना है नाम,
तो आपको उसका इनकम जो होगा उसका आधा देगा स्टूडियो। क्या जबरदस्त विचार है। अभी यहाँ पूरे अपने भोजपुरी इंडस्ट्रीज में शुरू में कोई पैसा देता नहीं है, नहीं देता है ये तो। जब तक आप हिट नहीं हुए तब तक आपको पैसा नहीं देगा, लेकिन ये स्टूडियो आपको शुरू से ही पैसा प्रोवाइड करेगा, शुरू से पहला गाना से आपको पैसा देना शुरू करेगा। जबरदस्त। और ये इनका उम्र चाहे देख कर मतलब ये अंदाज मत लगा कि यहाँ फ्लॉप होना ही है, मतलब बढ़ावे के लिए सब बोल रहे, ये कुछ नहीं, नहीं।, नहीं। 7-8 साल का इनका एक्सपीरियंस है और भोजपुरी भाई जैसे बहुत काफ़ी अच्छे चैनल पे इनका वीडियो भी बना है, खुद गाते हैं, रिकॉर्डिस्ट हैं, कैमरा मैन है और समझ ऑलराउंडर है, तो काम की कहीं गुंजाइश नहीं है कि मतलब रफ हो सकता है। तो भैया का और मैं कैमरा मैन से बोलूँगा थोड़ा इधर देखिए भैया, पवन बिहारी का ये सेटअप मतलब बोले तो स्टूडियो है और क्या जबरदस्त बैक लेकर, और ये स्टूडियो थोड़ा सा दिखा दीजिए और ऊपर भी आपको दिखाएंगे जो सेटअप लगा हुआ है। आते हैं पवन भैया के रुख की ओर। अच्छा पवन भैया, जब आप अब 7-8 साल बिताते हैं तो आपके घर वाले मुझे क्या बोलते हैं कि इसमें रहना है या फिर? घर वाले पहले शुरू में तो सबको दिक्कत होता है, सबको किसी लाइन में अगर इस लाइन में आते तो फलाना ढिमकाना नाच करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो सबको सुनना पड़ता है। वैसे भी हम भी सुने हैं, बाकी 2 सालों से जब मैं आगे बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा, जैसे अपने दम पे स्टूडियो करना, अपने दम पे गाना अच्छा खासा करना, कैमरा से वीडियो करके 2 रुपये कमाना, ऐसे मैंने करने लगा और 2-4-5 लड़के साथ में रहने लगे कि भाई भैया के साथ मिलके काम करेंगे, उन लोग का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है मेरे मतलब मेरे आगे बढ़ने में। तो उसके बाद घर वाले भी थोड़ा बहुत मानते हैं कि हाँ चलो भाई इसको सपोर्ट करो, अच्छा कर रहा है। और मेरे एक बहुत ही प्रिय मेरे दोस्त, मेरे अपने खास सगे भाई जिनका नाम है अखिलेश कुमार शाह, जो कि हमारे कंपनी के प्रोड्यूसर वही हैं, उनका मेरा बचपन से ही बहुत काफ़ी सहयोग रहा और माता पिता का तो सहयोग हमेशा से रहता है। हाँ, आगे बढ़ने में उनका बहुत ज़्यादा हाथ रहा, जहाँ भी लड़खड़ाए गिरे उन्होंने हमको संभाला है, और बाकी माता पिता का तो हमेशा समझ सकते हैं। अच्छा भैया, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूं, अगर कोई मतलब सिंगर आता है, गाना उसका कहीं से अलग से बच गया है और चाहता है कि आपके टीम मेंबर में से कोई एक्ट्रेस से साथ वीडियो बनवाए, तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए भी काफ़ी ऑफर है, आप कोई मुश्किल नहीं, आप कहीं से गाते हैं उसके लिए भी कोई आपत्ति नहीं है, आप गाना कीजिए, दूसरे कंपनी के लिए भी कीजिए। अगर आप बाहर में बनारस में पटना में अगर जिस क्वालिटी का वीडियो आप कराते हैं 4,000-5,000 रुपये देते हैं, उस क्वालिटी में आपको वीडियो देंगे मात्र 2,500 में। बताइए, एकदम हाफ प्राइस पे दे रहे हैं वहीं क्वालिटी, और क्वालिटी वो नहीं रहेगा तो आप मेरे को पैसा नहीं दीजिएगा। मतलब सेम मतलब गारंटी बोल रहे हैं, गारंटी बोल रहे हैं, आप वीडियो कैमरा के सामने बोल रहे हैं, आप वीडियो मेरे को दिखा के आप अपना टोटल पैसा नहीं, रेपुटेशन नहीं, आपके चैनल का रेपुटेशन आप तो शुरू से सपोर्ट किए हैं, हम तो हरगिज कभी नहीं चाहेंगे आपका, और इनका हम लोग का बहुत सहयोग रहता है। ट्रेंडिंग मैटर भोजपुरी का छोटा चैनल है बड़ा चैनल है, इनका जितना भी चैनल जितना भी सब्सक्राइबर जितने भी व्यूअर्स हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग को शुरू से सपोर्ट किए, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग इनसे यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि हम लोग अगर आगे भी बढ़ते हैं तो आप अपना साथ देते रहिए। आगे कौन है आप देखिएगा, हम लोग चलाते हैं 15-20 हज़ार का मोबाइल और ये जो फ़ोन देख रहे हैं ये पवन बिहारी जी का, और ये है सब आईफोन है, तो इसका कीमत आप अंदाजा लगा सकते हैं सब, तो आप बताइए इसमें बड़ा कौन हुआ? नहीं बड़ा देखिए, बड़ा तो हमारे लिए कभी आप रहेंगे, ये आप ही का देन है कि हमारे पास ये है और पब्लिक का देन है, इन लोग का प्यार है कि 2 रुपये कमा रहे हैं तो अपना खर्चा कर रहे हैं और अपना थोड़ा सा जो भी पर्सनालिटी के लिए जो चीज़ है वो ले रहे हैं। चलिए बड़ा कोई नहीं, ना हम ही है ना ये ही है, दोनों जना बराबर है। अच्छा आते हैं कुछ काम के बातों पे, और समझना चाहते हुए कि अगर कोई इस इंटरव्यू को देखकर आता है और मान लीजिए अब नवरात्रि तो निकल गया और छठ के लिए आता है तो सेटअप यहाँ पे बनेगा कि नहीं? छठ के लिए सेटअप गोपालगंज में मतलब सेटअप यहीं से सब चीज़ प्रोवाइड यहीं से होगा, सेटअप अगर हम कहीं साइड में भी डालेंगे तो हर एक काम यहीं से होगा, यहाँ पे सब लोग रहेगा, ठहराव यहीं पे रहेगा, खाना पीना सब चीज़ की व्यवस्था यहीं पे रहेगा, छठ का सेटअप लगेगा। और जो ऑफर अभी चल रहा है छठ में भी सेम यही ऑफर चलेगा, आप लोग को 1,000-1,200-1,500 में वीडियो कराइए छठ का, बढ़िया वीडियो कराइए। ऑडियो का है तो ऑडियो कमा लीजिए कि कहीं भी 500 रुपया, ट्रैक का भी 500-1,000 रुपये देकर गाता है तो अगर 500 आप देते तो 300 दीजिए। अच्छा एक बात और यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, मन बहुत ज़्यादा सवाल रहता है कि ऑडियो तो कहीं गा दिया, वीडियो आपके यहाँ से गाता है और आप चैनल पर चढ़ाते हैं और बोलेंगे कि नहीं मेरे चैनल के अलावा किसी और चैनल पर नहीं चढ़ना चाहिए? नहीं, ऑडियो आप कराए हैं या मेरे पास से कराए हैं, म्यूजिक आपका है, किसी भी भाई का सिंगर भाई का अगर म्यूजिक है वो अपना ऑडियो वीडियो करा रहे हैं या मेरे से ही नया म्यूजिक करवा के ऑडियो वीडियो करवा रहे हैं तो उनका राइट होता है, उनका हक है, वो जहाँ से चाहे रिलीज करा सकते हैं, यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर मेरे कंपनी से आप रिलीज करा रहे हैं, मेरा चैनल है फुगी रिकॉर्ड्स भोजपुरी, अगर उस चैनल से करा रहे हैं तो आपको अगर हमारे कंपनी का म्यूजिक फ्री में मिल जाएगा, पहली ऑफर। दूसरा, अगर आपका वीडियो का 1,500 लग रहा है तो 1,000 रुपये लेंगे। तीसरा ऑफर ये है आपके लिए कि या तो आप वीडियो का पैसा दे दीजिए नया म्यूजिक करना चाहते हैं तो, या तो म्यूजिक का पैसा दे दीजिए, म्यूजिक रिकॉर्डिंग मेरे पास से फ्री हो जाएगा, आप सिर्फ वीडियो का पैसा दे दीजिए। चौथा ऑफर मैं बता रहा हूँ, चौथा ऑफर ये होगा
कि आपके अलावा वो सिंगर और भी चैनल पे वीडियो डाल सकता है। हाँ, वो वीडियो डाल सकते हैं। हाँ। बट जो मैं अपने चैनल पे राइट चढ़ा लूंगा वो चैनल पे से उठा के किसी पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हाँ, कॉपीराइट वो लगाएंगे तो फिर हम दिक्कत में पहुंच जाएंगे। हाँ। क्योंकि हम आधा जैसे कि आधा पैसा माफ किस लिए कर रहे हैं? अपने चैनल के लिए। आधा पैसा अगर माफ नहीं करेंगे, आप ऑडियो वीडियो टोटल कराते हैं 1500, 1200, 1400 में, तो आपका राइट है कहीं से भी डलवा सकते हैं, उससे मेरे कोई आपत्ति नहीं है। और बहुत सारे ऐसे जानकारी हैं जो कि आप खुद स्टूडियो पर आकर ले सकते हैं, और उसके लिए लोकेशन, मोबाइल नंबर, जो भी कॉन्टेक्ट है आप भैया बताएं। उसका मेरा लोकेशन है गोपालगंज जिला है, गोपालगंज में रेलवे स्टेशन, एकदम सिंपल सा एड्रेस है, रेलवे स्टेशन पे आइए। और मेरा मोबाइल नंबर है 9523004969। भैया डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर डाल देंगे मेरे नाम के साइड में, आप लोग उस पर कॉल कीजिए और डायरेक्ट आपको रिसीव कर लेंगे। 2 मिनट का रास्ता, 100 मीटर है, लगभग 100 मीटर। या तो अगर स्टेशन पे उतर के आके किसी से भी, जनरल स्टोर है, दुकान है, किराना स्टोर है, खाने वाला दुकान है, किसी से पूछिएगा फुगी रिकॉर्ड्स भोजपुरी का रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहाँ है, कोई भी आपको यहाँ तक लाके छोड़ के जाएगा। स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर है। तो भैया ये हो गया बात। और लास्ट में आप हमारे चैनल के लिए, अपने दर्शकों के लिए और फुगी रिकॉर्ड्स के जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे यही मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमको भरपूर प्यार दीजिए और भैया के चैनल को भी भरपूर प्यार दीजिए। ट्रेंडिंग मैटर भोजपुरी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि भैया का चैनल आगे बढ़े, ताकि हम लोग का भी वीडियो वायरल हो। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस ऑफर का लाभ एकदम उठाना ही उठाना है, नहीं तो आप फिर चुक जाइएगा। किसी स्टूडियो में ये ऑफर नहीं मिलेगा, और स्टूडियो का काम का आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तो हमसे ज़्यादा अंदाज रहेगा और हमसे ज़्यादा आप लोग बताइएगा, ठीक है? तो भैया का कॉन्टैक्ट लिस्ट डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, आप लोग देखिए और भैया से कॉन्टैक्ट कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए गुड बाय।